हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो T3X डिवाइस के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में सेव कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में सेव कैसे करेंगे, दोस्तों इसी का सेटिंग यहाँ पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपके नंबर के साथ में आपके फ़ोन डायलर में ही सेव रहता है। जैसे आप नंबर डिलीट करते हैं, साथ में जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाता है। जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है आपके फ़ोन स्टोरेज में सेव नहीं होता है। दोस्तों, जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है अगर वो आपके फ़ोन स्टोरेज में सेव हो जाए तो आप उसको लाइफ टाइम तक रख पाएंगे और चाहे जहाँ उसको यूज भी कर पाएंगे और चाहे जब तक अपने फ़ोन में रखेंगे कभी भी वो डिलीट नहीं होगा। जब तक आप उसको अपने से डिलीट नहीं करेंगे तब तक जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों, आप अपने कॉल रिकॉर्डिंग को अपने फाइल मैनेजर में सेव कैसे करेंगे, चलिए अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। तो उसके लिए आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है। तो हम अपने सेटिंग को यहां पे ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा सेटिंग यहां पे ओपन हो जाता है और इस तरह से आपको अपने सेटिंग को ओपन करना है और थोड़ी सी आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप्स का ऑप्शन। तो आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सेटिंग आ जाएगा और यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन नेम आ जाते हैं। तो आपको थोड़ी सी स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ सबसे नीचे आपको मिल जाएगा इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टैक्ट। तो आपको इस पे क्लिक करना है और जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके फ़ोन में जो डायलर होता है यहाँ पे डायलर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो डायलर आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो डायलर आ रहे हैं, एक यहाँ पे डायलर है जो आपके फ़ोन में यूज होता है और एक डायलर है यहाँ पे जो ओल्ड फ़ोनों में आपको मिलता था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने डायलर को चेंज कर देना। जो आपका डायलर है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा और आपका जो डायलर है चेंज हो जाएगा। और जब आपका डायलर चेंज हो जाएगा तो जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो आपके फ़ोन स्टोरेज में ऑटोमेटिक सेव होने लग जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो आपके फ़ोन में डायलर यूज हो रहा है वो गूगल डायलर है और गूगल डायलर के अंदर आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपके डायलर के अंदर ही सेव रहेगा नंबर के साथ में। जैसे आप नंबर डिलीट करेंगे साथ में जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन में अपने डायलर को चेंज कर देंगे तो जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन स्टोरेज में सेव होने लग जाएगी। तो यहाँ पे आपको छोटा सा बटन मिलता है, आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आपको इसको ओके कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको सेट नाउ का ऑप्शन है, आपको इसको सेट नाउ करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे वाले डायलर को आपको क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से कट करना, अपने स्क्रीन पे आना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है, इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो डायलर है बिल्कुल सिंपल डायलर है, इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जो वीवो का ओल्ड फ़ोन यूज़ किए होंगे वो लोग इस डायलर को भी यूज़ किए होंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको आसानी से अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे वो आपके फ़ोन स्टोरेज में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। दोस्तों, जो गूगल डायलर है उसके अंदर जितनी भी सेटिंग है सारे सेटिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन सेटिंग आपको सभी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग फाइल मैनेजर में सेव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।